नेटफ्लिक्स ने अपनी नई वेब सीरीज लिविंग विथ योरसेल्फ हिंदी और इंग्लिश में रिलीज कर दिया है। लिविंग विथ योरसेल्फ एक कॉमेडी वेब सीरीज है जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसी है ये वेब सीरीज और इस वेब सीरीज को आपको देखना चाहिए या नहीं। How long have you been Ant-Man again? इस वेब सीरीज में हमें पॉल रड लीड रोल में दिखेंगे, जो कि एक बहुत बड़े स्टार है जिन्हें आप एवेंजर्स और एंटमैन मूवी से जानते होंगे। सीरीज में पॉल रड डबल रोल में नजर आएंगे। इतने बड़े स्टार और इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग होने की वजह से लोगों को बहुत उम्मीद थी उनके इस सीरीज से और उनकी एक्टिंग से, और पॉल रड ने इस सीरीज में अपने रोल को बेहद खूबसूरती से निभाया है। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज लिविंग विथ योरसेल्फ ने अपनी स्टोरी लाइन से काफी लोगों को निराश किया है, लेकिन वही पॉल रड ने अपने एक्टिंग से लोगों को काफी खुश भी किया है और इस सीरीज को पॉल रड की एक्टिंग ने ही बांध लिया है। लिविंग विथ योरसेल्फ एक डार्क ड्रामा कॉमेडी सीरीज है जिसमें दिखाया है कि कैसे लोग अपनी डेली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम से टैकल करते हैं। सीरीज की शुरुआत होती है माइल्स एलियट से, जिनका रोल पॉल रड कर रहे हैं। माइल्स काफी आलसी, अनइंस्पायर्ड और काफी बिखरा हुआ इंसान है जो अपने काम और अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश में रहता है। और आगे सीरीज में माइल्स कहीं से एक स्पा के बारे में पढ़ता है और उस स्पा में जाता है जो उसको प्रॉमिस करते हैं कि वो उसका एक बेटर वर्जन बना देंगे। पर आगे माइल्स खुद को कब्र में पाता है और जब माइल्स कब्र में से निकलकर अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके जैसा एक इंसान उसकी लाइफ जी रहा है। और यहां से सीरीज की स्टोरी काफी ज्यादा उलझने लगती है। आगे की स्टोरी को बताकर हम आपके सीरीज को स्पॉइल नहीं करेंगे। इस सीरीज के लिए पॉल रड की एक्टिंग को लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने सच में माइल्स का कैरेक्टर काफी अच्छे से प्ले किया है। सीरीज का स्टोरी लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कुछ ऐसे कॉमेडी सीन्स हैं जो कि काफी अच्छे हैं। आप इस 8 एपिसोड्स वाले सीरीज को आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं, जिसका पर एपिसोड रन टाइम 21 से 35 मिनट तक का है। और बात करें अगर इस सीरीज की रेटिंग की तो IMDb पर इसे 7.9 स्टार दिया गया है और हम इस वेब सीरीज को 4 स्टार देंगे। इसी तरह वेब सीरीज और मूवीज से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।